जय हिंद बच्चों, आज हम लोग विलयन की सांद्रता की बात करेंगे। विलयन की सांद्रता का सीधा सा मतलब है विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या, या इसी को विलयन की सांद्रता कहते हैं। पिछले कक्षाओं में भी आपने इसको जरूर पढ़ा होगा, ये आपके लिए एक नया नाम नहीं है। हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे और कोई भी जो हमारी सीख होगी वह परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भी हम इस पर आगे बढ़ेंगे। सीखना, परीक्षा में सफलता पाना, इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए, विलयन की सांद्रता में हमें ये देखना है और ये समझना होता है कि विलयन में जो विलेय की मात्रा होती है वही जो है विलयन की सांद्रता को बताती है। सामान्य तौर पे कोई कह दे कि क्या मतलब है विलयन की सांद्रता का, तो हमें केवल ये बताना है कि उसमें जो विलेय की मात्रा है वही उसकी सांद्रता होगी। तो इसका मात्रात्मक आकलन करने के लिए, अलग अलग तरीके से इसको ज्ञात करने के लिए कुछ विधियां हैं, उन्हीं विधियों की बात करेंगे। अगर हम सांद्रता को यहाँ पे सी से व्यक्त कर दें, कंसंट्रेशन से व्यक्त कर दें, और विलेय के मोल को हम देख लें जिसको यन मान लें, और विलयन के आयतन को हम वी मान लें, तो एक सामान्य सूत्र हमको मिल जाएगा सांद्रता प्रदर्शित करने का, सी बराबर यन वाई वी, जहाँ पर सी कंसंट्रेशन है, यन विलेय के मोल हैं और वी आयतन है। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे? एक लाइन में हम इसको कह सकते हैं, किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा उसी जो है सांद्रता को व्यक्त करता है, अर्थात विलयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। इसको व्यक्त करने के कई तरीके हैं, कुछ भौतिक इकाइयां हैं, कुछ रासायनिक इकाइयां हैं। इस पीरियड में हम जिन दो व्यक्त करने के तरीकों की बात करेंगे, सांद्रता को व्यक्त करने के दो तरीकों की बात आज हम करेंगे इस क्लास में, वो भौतिक इकाइयां हैं, जैसे एक विधि सांद्रता को व्यक्त करने की हम आपके सामने देख रहे हैं, रख रहे हैं, द्रव्यमान को प्रतिशत के रूप में हम व्यक्त करते हैं। तो जैसा कि नाम ही आपको बता रहा है, द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में, इसका मतलब द्रव्यमान को हम ग्राम में दिखा सकते हैं, विलयन के द्रव्यमान को भी ग्राम में कह सकते हैं, और विलेय का द्रव्यमान भी हम ग्राम में लिख सकते हैं। और प्रतिशत शब्द ये बताता है कि मात्रा विलयन की जो भी हो उसमें जो ग्राम की मात्रा हो उसको हम 100 में निकाल दें, 100 में कैलकुलेट कर दें, तो वो प्रतिशत हो जाएगा। तो ये हमारा पहला एक सांद्रता को व्यक्त करने का तरीका हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में, मास परसेंटेज इसको कह सकते हैं। इसकी जिन शब्दों में मैंने इसको लिखा हुआ है उसको बहुत ध्यान से देखेंगे और प्रयास करेंगे कि उस तरह से लिखेंगे तो निश्चित तौर पे वो तरीका अच्छा होना चाहिए। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित जो विलेय की ग्राम में मात्रा है, फिर से सुने, विलयन की मात्रा 100 ग्राम और इसमें विलेय की मात्रा जो भी ग्राम में हो वह विलयन की सांद्रता को द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में व्यक्त करता है। तो हमारा चलिए एक तरीका हो गया सांद्रण को व्यक्त करने का, द्रव्यमान परसेंट के रूप में। इसका फार्मूला भी हमने लिखा है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलयन का द्रव्यमान
ग्राम में उससे भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो 1% हो जाएगा। लेकिन हम परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो कि एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ लिख रखे हैं, लेकिन वो निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में प्रमुखता से हो सकते हैं, तो हमें इसको देखना है। हम एक एक को देख लेते हैं। मान लीजिए हम द्रव्यमान प्रतिशत लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या बता रहे हैं, और मान लें कि एक हमें बोतल मिली और वो सैंपल है, उस पर लिखा हुआ है बोतल के ऊपर 10% वेट बाई वेट ग्लूकोज। देखे होंगे ऐसे प्रश्न आते हैं पेपर में, तो इसका एक लाइन में मतलब आप समझ लीजिए 10% वेट बाई वेट ग्लूकोज का सीधा मतलब है 10 ग्राम इसमें ग्लूकोज है, तो फिर 90 ग्राम क्या होगा? पानी होगा, क्योंकि कुल तो 100 ग्राम होना है, परसेंट का मामला है, तो 100 ग्राम में 10 ग्राम हमारा ग्लूकोज है, 90 ग्राम पानी है, इसका मतलब बोतल पर जो लिखा है ये होता है। तो इसको हल भी हम ऐसे कर सकते हैं, मान लो सवाल के रूप में आता है तो लिख सकते हैं मास परसेंट बराबर 10/100 × 100, तो 100 क्या है, 90 ग्राम उसमें सॉल्वेंट है, विलायक है, जल, और 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर मिल जाएगा 10% बाई वेट, वेट बाई वेट। दूसरा एक बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग विलयन। ये विलयन ब्लीचिंग का मतलब सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है। तो मान लीजिए दे दिया कि मास परसेंट 4% हाइपोक्लोराइड है, इसका क्या मतलब है? तो आप ये साफ साफ शब्दों में जान लें कि 4% ब्लीचिंग विलयन बहुत सारी जगहों पर इसकी उपयोगिता है, और इसीलिए सांद्रता की जरूरत होती है। यही मतलब है सांद्रता का। सांद्रता की जरूरत क्या हुई? जरूरत यह है कि मान लीजिए यही 0.5% है, तो थोड़ा बहुत इन्फेक्टेंट के रूप में ये डाला जाता है, 4% कर दिया गया ये, तो इसकी उपयोगिता और बढ़ गई और कुछ जगहों पर बढ़ गई, लेकिन कुछ जगहों पे नुकसानदायक हो गया ये। दोनों विलयन का अलग अलग उपयोग होगा। जहाँ कंसंट्रेटेड हाइपोक्लोराइड चाहिए वहाँ 4% को यूज करेंगे, जहाँ डाइल्यूट चाहिए, सिंपल क्लीनिंग की जरूरत है, वहाँ पर हम 0.5% का बनाते हैं, 2% तक का बना लेते हैं। तो हम इस प्रश्न में एक चीज़ और भी आपसे बात करने की कोशिश करें हैं कि जो हमारी सांद्रता है इसका मात्रात्मक आकलन बहुत आवश्यक है, इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। चलिए दूर नहीं जाएंगे इस प्रश्न पे, जो हम चल रहे हैं इस पर बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम को देखते हुए इस पर हम बात कर रहे हैं। तो मास परसेंट 4% हाइपोक्लोराइड का मतलब सीधा सा है, ये ब्लीचिंग विलयन है सोडियम क्लोराइड का। 4% वेट बाई वेट का मतलब हुआ 4 ग्राम विलयन में जो है सोडियम हाइपोक्लोराइट है या हाइपोक्लोराइट है, और 96 ग्राम हमारा जल है। अगर न्यूमेरिकल के फॉर्म में आएगा, प्रश्न के फॉर्म में आएगा, तो आप मास परसेंट इक्वल टू 4 ग्राम/100 ग्राम × 100 कर देंगे, तो ये आपका 4% वेट बाई वेट आ भी जाएगा। इसमें तीसरा हमने बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल और लिया हुआ है, 27% W/W कापर सल्फेट। आप लोग देखे होंगे तूतिया का नाम सुने होंगे, इसको हम लेई में मिलाते रहे हैं, चूहे ना उसको काट दें, जहाँ चिपकाया जाए, तो कापर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, उसमें कंसंट्रेशन बदलते रहते हैं, तो ये न्यूमेरिकल भी कई बार आया है। तो मान लीजिए हम कह दें कि भाई इसका क्या मतलब है 27% W/W कापर सल्फेट का, तो इसका सीधा मतलब ये है कि 27 ग्राम कापर सल्फेट 73 ग्राम जल में जो है उपस्थित होगा। इसको निकाल इस तरह सकते हैं कि मास परसेंट इक्वल टू 27 ग्राम/100 ग्राम × 100, 27% वेट बाई वेट ये आ जाएगा। तो हमारा सांद्रता निकालने का पहला तरीका मुझे मिल गया कि द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में हम सांद्रता को व्यक्त करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि विलयन में उपस्थित विलेय के जो ग्राम होंगे वो द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में, भार प्रतिशत के रूप में, वेट परसेंट के रूप में सांद्रता को व्यक्त करते हैं।
इसमें हमारा बिलेन की मात्रा भी ग्राम में है, बिले की मात्रा भी ग्राम में है, तो इनको करीब से देख लेंगे। परीक्षा संबंधी कुछ प्रश्न भी आपके साथ हैं, साथ साथ ही हम देखते चलेंगे और बाद में फिर इसको और भी करीब से देख लेंगे। अगर कहीं ज़रूरत लगती है कि हाँ भाई कुछ रह गया है, आपकी कुछ क्वेरीज हैं, तो उसको आगे भी हम देख लेंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए। चलिए, सांद्रता ज्ञात करने का दूसरा तरीका, पहला मैंने देखा द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में, दूसरा है आयतन प्रतिशत के रूप में। जैसा कि नाम देख रहे हैं, आयतन का मतलब सीधे मिलीलीटर में चीज़ें होंगी, बात वहीं की वहीं है। इसमें विलयन हमारा मिलीलीटर में होगा, विलेय की मात्रा मिलीलीटर में जो उसमें उपस्थित होगी वो हो आयतन प्रतिशत के रूप में विलयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। ये हमारी दूसरी विधि है सांद्रता को व्यक्त करने की। देखते हैं, 100 मिलीलीटर विलयन में जो विलेय की मात्रा होगी मिलीलीटर में, वह विलयन की सांद्रता को आयतन प्रतिशत के रूप में व्यक्त करता है। सिंपल सा फार्मूला होगा, सिंपल सा एक सूत्र बनेगा, आयतन प्रतिशतता या आयतन प्रतिशत परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, विलेय का आयतन मिलीलीटर में, विलयन का आयतन मिलीलीटर में, मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें भी मैंने एक आपको एग्जाम से संबंधित एक प्रश्न डाला हुआ है, इसमें इसको मैं बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा और निश्चित तौर पे परीक्षा में हो सकता है, आ सकता है। हिमरोधी एथिलीन ग्लाइकॉल 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का आशय है, ये तो आपने तुरंत समझ लिया होगा कि 35 मिलीलीटर एथिलीन ग्लाइकॉल 65 मिलीलीटर जल का ये विलयन है, तो वॉल्यूम परसेंट क्या हो जाएगा, 35/100 × 100 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ये है। लेकिन इससे अलग हट करके एक छोटी सी चीज़ हम डिस्कस कर लें, हिमरोधी एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका मतलब हिमरोधी की अंग्रेजी आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा, एंटी फ्रीजिंग बोलते हैं इसको, एंटी फ्रीजिंग, फ्रीज मतलब ठंडा होना, एंटी मतलब उसका विरोधी, एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड एथिलीन ग्लाइकॉल होता है, हिमरोधी होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब पानी में इसको मिलाते हैं तो पानी का जो बर्फ में बदलने का जो तापमान है वो और घट जाता है, -15 से -17 डिग्री पर जाकर के वो पानी जमता है। तो इसका जो प्रयोग है, ऐसा पानी कूलेंट के रूप में इंजन को ठंडा करने के लिए ठंडे प्रदेश में कारों में उपयोग किया जाता है, गाड़ियों में कूलेंट डाला जाता है इंजन को ठंडा करने के लिए, उसमें हम 35% एथिलीन ग्लाइकॉल का विलयन डाल देते हैं, तो वह जो है बर्फ में नहीं बदल पाता, उसका हिमांक जो है काफ़ी नीचे चला जाता है, इसीलिए इसको हिमरोधी कहते हैं। तो कभी कभी हिमरोधी शब्द पर भी टिप्पणी आ सकती है, पूछा जा सकता है। तो हिमरोधी एथिलीन ग्लाइकॉल 35% वेट बाई वेट का मतलब हमारा है कि 35 मिलीलीटर विलेय की मात्रा 65 मिलीलीटर जल में उपस्थित होगी, तो ये है 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एंटी फ्रीजिंग एथिलीन ग्लाइकॉल कंपाउंड होगा। ये दो तरीके हमने पा लिए हैं सांद्रण को व्यक्त करने के, अगले तरीकों पर चर्चा करेंगे। इन न्यूमेरिकल्स को, इन कॉन्सेप्ट्स को 2-3 बार आराम से देख लीजिए, लिख लीजिए, ये सारे आपके परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न भी हैं, और सांद्रता ज्ञात करने का जो तरीका है यह आपको बिल्कुल जानना है, सीखना है, इसको आराम से सीखें। धन्यवाद।